आज आपके काले काम पकड़े गए हा? और आज से आपको नौकरी से निकाला जाता है। क्या? पर अरे जिस सेठ का आज तक मैंने नमक खाया है उसको अगर मैं हराम कर दूं तो मुझे मेरे कुलदेवता का श्राप मिलेगा। अरे 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 आज तक मैंने मन में चॉकलेट चोरी का भी विचार नहीं किया है और फिर भी तुम मुझे धिक्कार के धक्का दे रहे हो। अरे मैनेजर करसन दास, जरा सोच तो लो। अबे देख ली तुम्हारी खानदानी और तुम्हारी इज्जत, चल फुट जाओ, रास्ता नापो वरना बहुत बुरा हाल कर दूंगा, समझे? नहीं नहीं, इससे ज्यादा अपमान मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, पर फिर भी एक बार सेठ से मिलकर मुझे बात करनी है। करसन दास, ये दंजी हरामखोर यहाँ पे क्या कर रहा है? निकाल दो इसे धक्के मार मार के। जेके सेठ, आप ही मुझे धक्का देकर निकालोगे तो मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊंगा? अरे आपके ही आधार पर चलने वाली मेरे बच्चों की गाड़ी अटक जाएगी सेठ। धोखेबाज, तेरा संसार चलाने का मैंने ठेका नहीं लिया है, चला जाए यहाँ से। करसन दास, इसे धक्के मार मार के यहाँ से निकाल दो। जा धनजी जा, तेरे में थोड़ी सी भी अगर ईमानदारी हो ना तो धनराज के जैसा बड़ा आदमी बनके दिखा दे। करसन दास, मुझे मेरे कुलदेवता का अगर आशीर्वाद होगा और अगर उनकी मर्जी होगी ना और मुझ में सच्ची ईमानदारी होगी तो एक दिन मैं धनजी में से धनराज सेठ बनकर दिखाऊंगा, तुम्हें जरूर बनकर दिखाऊंगा करसन दास। अबे भले आदमी, क्यों किसी की जान को तकलीफ दे के अपना पेट पाल रहे? बमन जी बाबा, क्या हुआ? ये देखो ना बाबा, सांप को टोकरी में बिठा के तकलीफ दे रहा है, ऊपर से तमाशा दिखा के तालियां गिरा के पैसा गिरा रहा है। अरे बमन जी बाबा, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने को पसंद ना हो ना तो आंखें बंद करके चले जाना चाहिए वहां से, और अगर जेब में ताकत हो ना तो पैसा देकर ऐसे जीव को छुड़ाने की कोशिश करने की। तेरी बात सच है बाबा, अभी चलना है, वो तो अपना काम करेगा। अरे बाबा, ये देखने के बगैर जाए कैसे? अरे भाई, इस जीव को छोड़ दो और इसकी कीमत के लिए ले, मैं इसके पैसे चुकाता हूँ। कैसी आपकी आज्ञा सेठ। मूल जी, तो उनके साथ जाओ और देखना कि वो उसे छोड़ देता है कि नहीं। बाबा तुमने 5-50 देने के बजाय अपनी अंगूठी दे दी, पागल आदमी है तू। कुछ बोनस मिला है कि क्या, कि फिर जेके सेठ ने पगार बढ़ा दिया? बोनस या पगार बढ़ाने की बात तो दूर रही बोमन, पर मुझे आज से मुझे नौकरी में से निकाल दिया है उन्होंने। क्यों भाई, कोई भूलचूक हुई तुमसे? बहुत ईमानदारी दिखाकर बंद कर बैठे हुए करसन दास की आंखों में मैं कांटे की तरह चुभ रहा था। खुदा ही उसकी खबर लेगा बाबा। नहीं बाबा, भला भगवान सबका भला करे, मेरी बेटी ने मुझसे सोने के कंगन मांगे थे, वो कब से मेरी राह देखकर आंखें बिछाए बैठी है। उसमें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है बाबा, पैसे की चिंता मत कर, पैसा मैं दूंगा, पर उसके लिए चूड़ियां खरीद के उसे खुशहाल कर दे। नहीं बाबा नहीं, ऐसे तेरे पैसे से मैं नहीं खरीद सकता। अरे कंगन 2 दिन देर से आ जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? हाँ तेरी ना में कभी हाँ होने वाली नहीं है, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर अभी भी तुझे दोस्ती के नाते कह रहा हूँ कि तुझे कोई भी तकलीफ हो ना तो ये बोमन जी बाटली वाले को याद करना। ठीक है बाबा। धनजी भाई। ओ धनजी भाई, उठो, अब काफी रात हो चुकी है, अब आपको घर जाना चाहिए। हाँ, भगवान का नाम लेते लेते कब सो गया पता ही नहीं चला। जय राधे। जय राधे श्याम। नाग देवता। हे भगवान, तुम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार मान लेते हो? इलाके माँ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अरे जब भगवान साथ है तब किस बात का डर है तुम्हें? मैं मार खा लूंगा मगर ताना नहीं खा सकता। ऐसे डर जाओगे तो कोई भी मार नजर नहीं आएगा। वो तो मैं भी जानता हूँ, मगर क्या करूँ, मन में उथल पुथल हो रही है। सही बात है, कर्म का भोग तो सबको भोगना पड़ता है।
एक काम करो, सब चिंता छोड़ के निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे शब्द तो मुझे अमृत जैसे लगते हैं। हे दाता, दया रखना। अब तो एक ही बात है, कैसे भी करके धनजी से धनराज सेठ बनना है। नाग देवता, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मत जाओ, मेरे पास आ जाओ। इला, क्या? इला, तुम जाओ, मैं इला पास आ जाओ। इला, मुझे छोड़ के मत जाओ। इला, नाग देवता। इला बेटी, क्या हुआ? इला, क्या हुआ? इला बेटी, क्या हुआ? निन्ने क्या बोल रही थी बेटा, क्या था? बापू, माँ, मैंने सपने में गोंडल का राजा दर्शन दिया, बाल स्वरूप में। क्या बात करती हो, भगवान ने तुम्हें स्वयं दर्शन दिए? हाँ बापू, स्वयं। ये लड़की, यहाँ पे कोई नाग जाते हुए देखा? नहीं तो, मैंने कोई नाग को नहीं देखा। आओ देवा बाहर। जय नाग देवता। बहन, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, तुम खुश तो मैं खुश। तुम्हारी मन की इच्छा मैं जानता हूँ बहन। सुनो मेरी बहन, तुम्हारे माता पिता को कह देना कि अपने घर के दक्षिण में एक जमीन पड़ा हुआ है और आधा बना हुआ मकान भी है। उसी के बीच में एक नाग चंपा का घर है। आप वहाँ जाके खोजबीन करना तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। जैसा तुम कहो भाई। तुमने मुझे भाई कहा ना, तो ये लो, बांधो राखी। ये लो भाई, ये मैंने मेरी चुन्नी बांधी। जब जब जरूरत पड़ेगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरा करूंगा। हर घड़ी ये चुन्नी मेरे हाथ में रहेगी और मैं तुम्हें याद करता रहूंगा बहन। हे नाग देवता, हम पर कृपा करना। नीला बेटा, अभी कितना दूर है? देखो, यही है वो जमीन जहाँ पे ये आधा बना हुआ मकान है। हाँ बेटा, तेरी बात सच्ची है। और तुम्हें सपने में दिखी हुई निशानी भी, तेरा सपना सच्चा है बेटा। जय भगवान। रुक जाओ। कौन आप? मेरा नाम राघव जी भाई है, इस जमीन का मालिक। ये मकान कभी भी पूरा नहीं हो रहा है भाई। कारण? इस जमीन में किसी का श्राप दिया हुआ नहीं है। भाई नहीं, श्राप नहीं है भाई, पर इस जमीन में नाग देवता का वास है और जो नाग देवता की कृपा हुई ना, तो तुम्हारा मकान पूरा हो जाएगा। तब तो ये धरती सोने का टुकड़ा बन जाएगी भाई। हाँ भाई, आप अगर आज्ञा दो तो इस नाग देवता की कृपा से इस जमीन पर नाग देवता का नगर बनाऊंगा। अगर ऐसा ही है तो ये सारी जमीन का मालिक मैं अकेला हूँ, पर आज से हम दोनों, मेहनत तुम्हारी और ये जमीन मेरी, और पूरा पैसा मेरा। अच्छा? लगेगा, जो भी कुछ खर्च होगा वो मेरा ही रहेगा। चलो बेटा, करो श्री गणेश। हाँ ले बेटा, ये ले। जय नाग देवता।
मुझको सब कोई आरती करो रे, हाथ जोड़ के मैं करूँ नाग देव की पूजा रे। नाग देव का मेरा मुंडन करा जा रे, नाग देव का मेरा मुंडन करा जा रे, नाग देव का मेरा मुंडन करा जा रे। कौन? शिवा, आओ शिवा आओ। अरे आजा बेटा आजा। बोलो शिवा भाई, कैसे आना हुआ इधर आज? मेरे बेटे राम जी की शादी है, सेठ जी मुझे थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना तो अच्छा है। ओहो, शादी करने जितना बड़ा हो गया तुम्हारा बेटा? हाँ सेठ जी, 13-14 साल का हो गया। क्या, 13-14 साल का? हाँ सेठ जी। इतना छोटा और नासमझ बच्चे की शादी करवा रहे हो तुम? अरे पुराने विचार वाले और अनपढ़ सोच वाले तुम लोग, ऐसे बाल विवाह करवाकर तुम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो तुम लोग। पर सेठ, हमारे रीत रिवाज के हिसाब से हमें जल्दी शादी करनी पड़ती है। ऐसे कुरिवाज और खराब विचारों वाले लोगों को मैं नहीं मानता शिवा भाई। लड़की 18 साल की हो और लड़का 22 साल का हो जाए तो ही उसकी शादी करवानी चाहिए, समझ गए ना? अगर ऐसा हुआ तो दोनों की शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा, पर अभी तो कुछ भी नहीं दूंगा। हे भगवान, ये ना समझ लोग इस तरह कच्ची उम्र में बच्चे बच्चियों की शादी करवाते रहेंगे तो अपना समाज कहां जाके रुकेगा? कारसनदास, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे घर पे भीख मांगने के लिए आते हैं। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। आपकी बात एकदम सही है, नौकर घर तक आ जाए ये बात ठीक नहीं है। अभी मुनीम को कुछ काम दिखाना है? नहीं नहीं, इन भाई साहब को जाने दो, बाकी कोई काम होगा तो ऑफिस में निपटा दूंगा। ठीक है सर, चलो 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 चलो। हाँ बोलो जीके सेठ, कोई हुक्म? करसनदास करसनदास, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये गए काल का। अरे धनजी में से धनराज बना हुआ कल का मेरा नौकर मेरे सामने सर उठाता है। अच्छा अब
अब मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा। मेरी सारी योजनाएं है ना, उस पर उसने पानी फेर दिया है। तो हम कोई ऐसी योजना बनाते हैं कि उसकी योजना फीकी पड़ जाए और अपनी इज्जत रह जाए। अरे फिर तो सोने पे सुहागा हो जाए करसनदास। और ऐसा मौका कल आने वाला है। अच्छा? एक मौके की बहुत बड़ी जमीन है, और वो जमीन अगर अपने हाथ में आ जाए ना, तो फिर या तो वो रहेगा या फिर मैं रहूंगा। बोलो बोलो मेरे सेठ लोग, ऐसी महंगी और सभी तरह से अनुकूल इस जमीन की कीमत बोलो। जेके सेठ की ओर से 10,21,000 पूरे। वाह वाह सेठ जी वाह, इसी को बोली बोलना कहते हैं। 10,21,000 एक, 10,21,000 दो, 10,51,000, 12,00,000 रुपए पूरे। बोलो बोलो 12,00,000 एक, 15,21,151। देखा करसनदास, कल वो पानी के भाव से जमीन खरीद लिया। करसनदास, 20,00,000 रुपए की जमीन का 15,00,000 रुपए धनराज ने दिया और जमीन खरीद ली। आज जेके का नाक कटवा दिया। अरे हमने थोड़ी सी हिम्मत की होती ना, तो ये 20,00,000 के खड्डे में उतर गए होते। ये तुम्हारी भूल है करसनदास। धनराज कब क्या करेगा वो किसी को भी पता नहीं चलता है। ये जमीन मेरे हाथ से निकल गई, उसका मुझे सख्त आघात लगा है। उस आघात से बचाने के लिए मैं उस जमीन में ऐसा तांडव मचाऊंगा कि धनराज वो जमीन पे पैर नहीं रख पाएगा। शाबाश रवि, शाबाश। तो तेरा बाप करसनदास से भी ज्यादा होशियार है। यही तो रवि के हाथ की करामत है। और वो अलग भी है। आग लगती है पर धुआं नहीं दिखता है, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे अनुभवी वहाँ पहुँचे ये रवि। भाई कौन हो तुम और मेरी जमीन पर कब्जा किसने किया? हमने किया है क्यों? अरे पर ये मेरी जमीन है। जमीन तुम्हारी होगी पर राज हमारा चलता है। पर चल तेरी तो। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तू पुलिस को बुलाएगा? पुलिस तो क्या एक चिड़िया भी नहीं पर मारेगी। चल, है किसी की ताकत? खेलने के दिन गए नहीं है। जा बेटे फुटबॉल के साथ खेल दे। ऐसा अब इस बॉल को तब तक मैं जमीन पर नहीं आने दूंगा जब तक मैं तुम लोगों को जमीन दोस्त न कर दूं। अच्छे बेटा फुटबॉल खेलने में मजा आया ना? नहीं, चल उठ। बॉल जमीन खाली करनी है कि नहीं? सेठ जी,
आपकी जमीन आपको वापस देता हूँ। चल जा। पिताजी आपको ज्यादा लगा तो नहीं? नहीं बेटा नहीं। बेटे की बहादुरी देखकर बाप पर पड़े हुए कितने भी बड़े घाव समय आने पर मिट जाते हैं बेटा। आपका आशीर्वाद है पिताजी। हाँ आवाज मोहन। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ मोहन। कितना अच्छा लग रहा है। दम घुट गया था। तू इस गोनी में? मैं तो किस में? किसने डाला? अरे भाई वो लड़ने से पहले ये क्रिकेटर जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना उठक बैठक करके, वैसे ही थोड़ा कराटे की प्रैक्टिस कर रहा था, वो सब लोग ने मिलके मुझे गोनी में डाल दिया और गोनी के अंदर तो मेरी जान निकल गई। लगा तो नहीं है ना कहीं? लगा तो नहीं है, लेकिन वो गए कहाँ सब लोग? कहाँ गए? चल 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 गाड़ी में बैठ। कहाँ गए वो लोग? उनको तो निपटा दिया। निपटा दिए? अच्छा हाँ। चलो मेरे हाथ में आए होते तो कचुम्बर बना देता सालों को। अरे सब सही ढंग से हो गया था, लेकिन लास्ट घड़ी में आके वो बस लास्ट घड़ी में उस आदमी ने आकर तेरी सारी योजनाओं पर उसने पानी फेर दिया, ऐसा ही ना? कहाँ जा रही है अलका? मेरी दोस्त भानुमति की शादी है। क्या? एक गंवार मजदूर की बेटी की शादी में जेके जैसे आदमी की इकलौती बेटी ऐसे मामूली कपड़े पहनकर जा रही है? पापा हमारी दोस्ती में गरीबी और अमीरी की कोई भेद नहीं है और मैं ये सब बातें नहीं मानती हूँ। अलका अपने पिताजी से कोई ऐसी बात करता? तेरे जैसे पढ़ी लिखी लड़की को ये नहीं शोभा देता है। क्या शोभा देता है और नहीं देता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। बाप बेटी की बातों में आपको दखलअंदाजी करने की जरूरत नहीं, आप अपना काम करिए यही अच्छा रहेगा। अलका मेरे लाड प्यार से इतनी बदतमीज हो गई हो ये अच्छी बात नहीं है। पापा, जाओ तुम अंदर जाओ। पापा आप मेरी आजादी पे रोक मत लगाइए, यही सही होगा। क्या तुम मुझे लांग कर जाओगी, मन चाह बर्ताव करोगी? पापा इसमें इतना गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, मैं तो वो तो मेरी बचपन की सहेली है, वो तो एक सामाजिक बंधन की बात है। पापा मैं 7 बजे के पहले आ जाऊंगी। मैं जाऊँ पापा प्लीज? ठीक है पर जल्दी घर आ जाना। थैंक यू पापा। ये अच्छा नहीं हुआ सेठ जी। नहीं नहीं रवि ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे घी के बर्तन में घी पड़ा ही रहेगा। मेरे सारी जायदाद की वारिस इकलौती बेटी मेरी अलका ही तो है और उसका हाथ तेरे हाथों में सौंप कर ये सारी जायदाद तुझे सौंप दूं तो मेरे मन में शांति हो जाएगी। रुक जाइए महाराज, समधी जी बेटी की शादी करने चले हो लेकिन दहेज तो अभी तक दिया ही नहीं है। रखो अपनी बेटी को अपने घर, मेरे बेटे को एक नहीं 1000 लड़की मिल जाएगी। तुम जैसे लालची लोगों की वजह से ये शादी जैसे पवित्र बंधन में लांछन लगता है। अरे पोपट जैसे बोलने वाली आजकल की लड़की तो मुझे समझाएगी? मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी खराब मत करो, मेरी इज्जत पर पानी फिर जाएगा। मेरे जैसे गरीब की लाज रखिए, आपने मांगा हुआ दहेज मैं धीरे धीरे चुका दूंगा समधी जी। रोकड़े रुपए जैसा लड़का है इसमें उधारी नहीं चलती है समधी जी, घर पे आके खाना खा सकती हो लेकिन इसमें दोस्ती नहीं। क्या बात है हरिका का, क्यों सब ऐसे खड़े हैं? क्या कुछ बात हुई है? भाई साहब बात जरा ऐसी है कि हरिलाल ने मुझे 11,000 रुपए रोकड़े देने की बात की थी पर अभी आखिरी घड़ी में मना कर देता है, इसमें मेरा लड़का एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ शादी रुक जाएगी। हाँ मैं भी देखता हूँ कि ये शादी रुक कैसे सकती है। हरि काका की भानु मतलब मेरी बहन, और बहन का एक भी आंसू अगर जमीन पर पड़ जाए तो मेरा तो क्या, तो पूरे समाज की मर्यादा धूल और मिट्टी में मिल जाएगी। कब से तू भाषण दे रहा है, उसे तो अच्छा है की 11,000 रुपए रोकड़े तू ही दे देना तो मगजमारी खत्म हो जाए। 11,000 नहीं पर 15,000 इस मतलबी बाप के मुंह पे मार दो। पर ये रुपए तो प्रेमजी भाई को देने। प्रेमजी भाई को मैं चेक दे दूंगा पर हरि काका की इज्जत मतलब अपनी इज्जत। तो अपनी इज्जत तो ये लो उसकी छाती पे मारता हूँ और ये 5,000 दूसरे। देखा इसका नाम व्यवहार,
पंडित जी शादी चालू रखो। अरे बेटा धनराज सेठ नहीं आए, पिताजी एक टेंडर की मीटिंग में गए हैं इसलिए मुझे भेजा है। सही समय पर आकर मेरे जैसे गरीब नौकर की इज्जत रख दी तुमने। भगवान तुम्हारा भला करेगा नागेश भाई। नहीं काका आप नौकर नहीं पर हमारे परिवार के बहुत ही वफादार इंसान हो और मैंने जो कुछ किया है वो तो मेरा फर्ज था। जाओ काका धूमधाम से तुम शादी करवाओ, मैं यहीं खड़ा हूं। नागेश भाई गरीब घर में अप्सरा जैसी लड़कियां भी होती है। हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ। हाँ मन को मोह ले वैसी लड़की है। बेटी सुखी रहो सुखी रहो। सुखी रहो बहन सुखी रहो। बेस्ट ऑफ लक। एक मिनट काका आपके कितनी बेटियां हैं? तीन। तो तीनों के वर ढूंढ लो और जब शादी करोगे तब तुमको भी पैसे की जरूरत पड़े ना हाँ तो मुझे याद करना। कारण कि तुम्हारे समधी ने मांगी हुई रकम की भरपाई नहीं कर पाए ना तो तुम्हारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा कदम तुमने उठाया है ऐसा कदम तुम्हारे भावी समधी भी उठाएंगे, ये हकीकत है। आपकी बात सही है भाई, हमने इस जबरदस्ती ली हुई रकम को अभी के अभी लौटा देना चाहता हूँ। वापस दे दो दहेज की रकम और नया सिलसिला शुरू करो बापू, बिरादरी में आपका नाम ऊंचा हो जाएगा। दे दीजिए। लो भाई ये रुपए मुझे नहीं चाहिए, तुमने मेरी आंखें खोल दी। धन्य है तुम्हारे माता पिता को। बेटे ये तेरी बीवी नहीं है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। बेटे ये अपने घर में बहू नहीं बेटी बन के रहेगी। चल चल बेटे। लो अब काका अब हमें आज्ञा दीजिए। नहीं नागेश भाई तो बिना खिलाए नहीं भेजूंगा। और अलका बहन आप भी खाना खा के जाना हो। काका मेरी ऑफिस में मुझे बहुत सारा काम है। उसकी चिंता आप मत करो, ऑफिस का सारा कामकाज मैं निपटा लूंगा। आप अपना पूरा पेट भर के खाना खा लो और मुखवास खा के आ जाओ, दिल खुश हो गया हो। तो फिर काका आज काका की बात माननी पड़ेगी। हाँ देखो तुम अंदर वाली रूम में बैठो, मैं अब भी आता हूँ। भगवान तेरी कृपा अपरंपार है। हरि काका के मुंह से तुम्हारा नाम तो सुन लिया पर घर का नहीं पता। अनजान का घर का पता लेके क्या करेंगे? पता जानने के बाद आपको ज्यादा देखने की कोशिश करूंगा। और ज्यादा देखने के बाद क्या करेंगे? ज्यादा देखने के बाद अपने बीच की ये दूरियां और करीब आने की कोशिश मत करो। आप रहे बड़े आदमी और मैं एक साधारण लड़की, गरीब बाप की बेटी। जो आप अमीरी गरीबी जैसी छोटी बात करोगे ना तो मैं चला जाऊंगा। तो फिर मैं अभी काका को बुलाती हूँ, उसके बाद क्या करोगे? और अगर हरी काका नहीं आए तो क्या करोगे? तुम्हें मेरी सौगंध है ना, रुकना है तो रुक जाओ। इसका नाम है स्त्री चरित्र। बोलने में तो अच्छे भले पानी भर लें, जितनी दिखने में आकर्षक हो इतना ही प्रभाव आपकी जबान में है। अगले कुछ महीने में मेरी भी शादी होने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अरे राकेश अलका आ जाओ, खाना तैयार है। बोलो नहीं क्या सोच रहे हैं? ये लीजिए मेरा कार्ड, मुझे जो होता है वो मैं टेलीफोन करके बताऊंगा, फिर मिलेंगे तब ज्यादा बताऊंगा। अरे आ रहे हैं काका चलो। ओह सॉरी। थैंक यू। आपको किसे काम है? ये कार वाले भाई घर पे है। ये साहब तो मेरे भैया हैं, वो तो बाहर गांव गए हैं, कल आप उनसे ऑफिस में मिल लेना। आप जरा आंखें खोल कर चला कीजिए तो ठीक रहेगा। मैडम आंखें तो खुली रख के ही चलता हूँ, थोड़ा सा टकरा गया उसके लिए सॉरी। कार्ड प्लीज। सॉरी। थैंक यू।
कोई साहब आपसे मिलने आए हैं। जितेन, उसे जल्दी अंदर भेजिए। यस सर। साहब है? साहब तो नहीं है, आपको किससे मिलना है? नागेश कुमार को। नागेश कुमार नहीं, नागेश कहे यार। अरे अरे नागेश को। बैठ बैठ। जितेन, इतनी जुदाई? अरे तू जानता है कि तेरा नागेश एक बड़ा बिजनेसमैन है, फिर भी तू मेरे पास नहीं आया? मतलब नौकरी मांग के शर्मिंदा करूं, तुम्हारी पहचान का फायदा उठाऊं? नहीं यार, तुम्हारा अधिकार है, हम साथ में पढ़े हैं, हम एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। फिर भी मेरे सिद्धांत और मेरी सच्चाई की लक्ष्मण रेखा मुझे इस प्रकार के व्यवहार से दूर रखने का संस्कार देती है। अब ये संस्कार और स्वतंत्रता गई भाड़ में, समझे तुम? मैं सामने से चलकर तुम्हारे घर पे आया हूँ और तुम्हें इधर बुलाया। ठीक है, अब तो मैं आ गया ना, बस अब तो खुश हो ना? मतलब सिर्फ मुझे राजी रखने के लिए मेरी ऑफिस में आया है? नहीं जितेन, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। अरे तेरे जैसा अकलमंद साथीदार अगर जो मुझे मिल जाए तो अच्छे अच्छों को मैं पानी पिला सकता हूँ, बिजनेस में आने वाले किसी भी मगरमच्छ को भी पानी पिला दूं। अब तू मेरे ऑफिस का काम संभाल ले, अब और पिताजी भी यही चाहते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। चल जितेन, आज हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। नहीं नागेश, माँ घर पे खाने के लिए इंतजार कर रही है, मैंने तेरी ऑफिस में नौकरी ले ली है, ये सुन के माँ बहुत खुश होगी। पिताजी भी बहुत खुश होंगे। ठीक है नागेश, कल समय से आ जाऊंगा। अब ये ले एडवांस। नहीं नागेश, अब सिद्धांतवादी की पूंछ छोड़कर ये चुपचाप पैसे ले ले और चुपचाप चला जा, नहीं तो मार मार के भुर्ता बना दूंगा। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? कराटेबाज, ब्लैक बेल्ट। समझ गया, अभी भी वो कराटे चालू है? हाँ, हाय हाय। ये कार्ड अलका बहन को दे देना। हाँ चल निकल यहाँ से। बुकिंग बहुत अच्छा है। क्या बात है, वाह गुड। हेलो मिस्टर पब्लिक लॉ, सब लोग आ गए हो ना? अरे भाई रुक नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत काम है अंदर। मैं तो कहती हूँ ये सब कुछ नाग देवता का ही कृपा है। माँ। हाँ बेटी। नमस्ते। नागेश कहाँ है? नागेश भैया तो मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं और वो किसी की राह देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा तू एक काम कर, जीतेन है ना, उसको मेहमानों को स्वागत करने के लिए बोल, तुम दोनों मिलके मेहमानों को स्वागत करके अंदर लाना। हाँ ठीक है माँ। बोमन जी, हाँ? आज अच्छे मुहूर्त के दिन बहुत सारे फ्लैट के बुकिंग हो गए। ये धनजी है ना धनजी, ये अच्छा नसीब लेके आया है। मोहन, हाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे अपने फ्लैट्स का बहुत सारा बुकिंग है। क्या बात करते हो। अरे पिछली रात को महेश नरेश की पार्टी में 250 रुपए की टिकट नहीं मिल रही थी। अरे आओ राजेश भाई, आओ आओ। वेलकम वेलकम मोहन, मिस्टर सतीश राजा बैंक के मैनेजर हैं। बैंक मैनेजर है? तब तो दिल हिल के। ये हमारे नागेश भाई ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, आप इसे जरूर मदद करना। हाँ अरे मोहन भाई, ये भी कोई कहने की बात है? नागेश भाई के लिए तो आधी रात को मेरे घर के दरवाजे खुले। आप कभी भी आके मेरा दरवाजा खटखटाना, मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। थैंक यू। अगर रात को नहीं आए और सुबह आए तो दरवाजा खोलोगे ना? और खोलना है दरवाजा, हम आएंगे जरूर। मैं मेहमानों का ध्यान रखूंगा। अरे मैं सब संभाल लूंगा। Congratulations and wish you all the best. आभार, खूब खूब आभार। क्यों, मेरे कार्ड पर के नंबर मिट गए थे के कार्ड ही गुम हो गया था? अलका, तुम्हारे फोन की राह देखने में व्याकुल था। मैंने फोन करने की बहुत कोशिश की थी, खास तुम अपने कार्ड अपने हाथों से मुझे दिया था, इसलिए सोचा कि रूबरू तुमसे मिलने का मजा कुछ और ही होगा। तुमसे नहीं जीत पाऊंगा, जवाब बिल्कुल तैयार है। अरे खाओ खाओ खाओ। बमन जी बाबा, आज मुहूर्त और विधि विधान तो आराम से हो गया। ये ढंग का सौदा हो गया, अब तो धड़ाधड़ बुकिंग भी हो गई। आपके मुंह में घी शक्कर। अरे देखिए ना बाबूजी, ये नागेश भाई ने अपने लिए लड़की देख ली। अच्छा तो अब तू भी तेरे लिए ढूंढ ले। भाई वो ही ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन मिले तो सही। चलो
मैं मम्मी डैडी से मिलवाता हूँ। आओ देखा बाबा, डोरी कितनी जम रही है। हाँ वो जमती है क्योंकि नागेश बहुत नसीब वाला है। पिताजी, ये भानुमती की सहेली अलका। नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद पाटली वाला। अच्छा नागेश, अब मैं चलती हूँ। बस इतना जल्दी? जाना पड़ेगा। तो फिर वादा करो तुम कल गार्डन में मिलोगी। कम ऑन। ओके। वाव। डैडी, आपको पता है जेके सेठ का पूरे का पूरा खजाना हड़प करने का मैंने प्लान बना लिया है। कैसे? अरे सिंपल डैडी, जेके सेठ की एक लौटी बेटी अलका से शादी करके। ओह, मतलब उसकी बेटी के साथ में उसके घर का पूरा खजाना हमारे घर। बढ़िया। यस। शाबाश रवि, शाबाश। फिर तो नौकर चाकर और बंगला और चारों बाजू बंगले के फूलों के गार्डन। यस डैडी, और गार्डन में एक मस्त गार्डन। क्या हुआ? अरे मर गया डैडी, मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। ओहो, यू इडियट। गजरे के फूलों से ज्यादा तुम्हारी सुगंध पूरे गार्डन को सुगंध से महका दिया है अलका। झूठी तारीफ करना तुम कोई तुमसे सीखे। पुरुष हमेशा होशियारी बनते हैं। प्रशंसा तो भगवान को भी पसंद आती है, फिर भी इतना बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए ये प्रशंसा एक हकीकत है। भानुमति की शादी में जब से मैंने तुम्हें देखा तब से तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। इलू, इलू। नागेश, मैं तुम्हें अपना दिल दे चुकी हूँ। तुम्हारे प्रेम के सागर में मैं डूब जाना चाहती हूँ नागेश। अलका, आप अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो कायर कहलाएंगे। तुम्हारी मेरी प्रीत तो चांद और चक्कर जैसे अटूट और अमर है नागेश। अलका, तुम्हारे शब्दों में से जैसे अमृत टपक रहा है। इस अमृत से जिंदगी के हर एक पल को हम अमर कर देंगे। अरे शर्माती क्या हो मेरी रानी, आजा। अरे यहाँ तुझे कोई नहीं देखने वाला है, सिर्फ मैं ही तुम्हें देखूंगा। ये क्या, अलका और नागेश एक साथ? अलका, नागेश। जहाँ ना पहुँचे अनुभवी वहाँ पहुँचे ये रवि। अलका, मैं भी देखता हूँ कि तू नागेश की या फिर के इस रवि की। ओहो, आज तो बहुत महक रहे हो भैया। हाँ तो महकेंगे ही ना, महकेंगे ही ना। ये नागेश भाई का तो हो गया और मेरा होने होने वाला है। हाँ, पर अफसोस। हाँ? अफसोस कैसा? अरे तुम लोगों को धंधे में से फुर्सत ही कहाँ मिल रही है। अरे जरा इसके सामने देखो। अरे कहाँ जा रही है, रुक रुक रुक। मोहन भाई, मेरी इला के लिए ऐसा मूर्तियाँ ढूंढना है उसके जैसा पूरे जगत में ना हो। और इला की शादी करवाने के बाद मैं भी शादी करूंगा। ले भाई, मेरा मतलब मैं। अरे मैं। हम दोनों की शादी करेगा, ऐसी बात बोल। हम दोनों दूल्हे और हम दोनों दूल्हे के बीच में एक ही अनवर, ये इला बेन का हस्बैंड। अच्छा वो पागल है कि सही है, वो तो जब मिलेगा तभी पता चलेगा तुम्हें, समझी ना। अरे तेरी बातों में 5 बज गए, मुझे बहुत जल्दी अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ले बाय बाय। धंधे की जरूरी मीटिंग में परफ्यूम डाल के जाते तो पहली बार देखा। ओहो, संभालना तुम्हारे प्रेम के धंधे को। और चलो हम भी चलते हमारे प्रेम के धंधे में। बाकी हो हो हो, दिल हिल मिल गए ना।
पंछीरी तू संदेश लेके जा रे जा, पंछीरी तू संदेश लेके जा रे जा, संदेशा मेरा प्रीतम को पहुंचा दे, संदेशा मेरा प्रीतम को पहुंचा दे। उड़ते जा तू प्रीतम के उस देश में, उड़ते जा तू प्रीतम के उस देश में, चली जाए रे गोरी मोरी कहाँ चली जाए रे, संग संग मेरे दिल को लिए जाए रे, अपने संग तू दिल मेरा ले जाए रे। यूं ना जाने दो जब तू बोले।
कराने का वादा सदियों से हर युग के पुरुष बार बार करते आए हैं, लेकिन निभा नहीं सके। हाय, इतना गुस्सा तुम्हारे चेहरे पर बहुत प्यारा लग रहा है। अलका लेट तो हो जाते हैं, इसमें गुस्सा कैसा? गुस्सा नहीं, पर मैं अपने नादान दिल को कैसे समझाऊं? मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके आई हूँ, सबकी नजर बचा के कैसे कैसे समय निकल कर आती हूँ तुम्हें पता है। सपनों की दुनिया में खो जाने के बाद ये मेरी प्यार का फूलों का गुच्छा अपने सर में बांध लो। तुम ही बांधो ना। ये देखो, देख लिया ना? ऐसे अधिकार के बिना कब तक गजरा बांधूंगा? ये अधिकार तो मैंने तुम्हें कब का दे दिया है। एक कुंवारी कन्या होकर मर्यादा की सारी बेड़ियां मैंने तोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ। उस मर्यादा की दहलीज को लांघ कर आई हुई मैं तुम्हें अपने प्यार का, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। नागेश, माय स्वीटहार्ट। नागेश रुक जाओ। अलका पापा, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो पापा। तुम कहाँ गई थी? आज अचानक ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहाँ जाती हो, किसके साथ क्या संबंध रखती हो, ये सब जानना मुझे बहुत जरूरी है। तुम मेरा कट्टर दुश्मन धनराज का बेटा नागेश के साथ गार्डन में गई थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो बहुत सज्जन है, और ऐसे सज्जनों के साथ दोस्ती रखना कोई भी प्रकार का पाप नहीं है। तुमने जो अगर अपनी जिद नहीं छोड़ी ना, और इस घर के बाहर पाप भी रखा है ना, तो मैं तुम्हारे पाप काट दूंगा। जानदार जा। नागेश को तो मैं देख लूंगा। Hey, हरिया किधर है? भाई बाहर गया है। क्यों, क्या काम है? तू नागेश को जानता है? हाँ, क्यों? जो इसी रोड से नागेश जाने वाला है उसे खत्म करने का है। ये ले उसके लिए 5,000 रुपए। ठीक है, काम होने के बाद दूसरे लेकर जाना। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ क्या बोला? सूर्या पकड़ा गया? ओह नो, इट्स टू मच। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। ए बुड्ढे, ए कौन? आंखों से दिखता है कि नहीं? देख तो सकता हूँ, लेकिन मैं कोई अंधा नहीं हूँ, बराबर सब कुछ देख सकता हूँ। अच्छा, तो जानबूझकर टकराया था, तो ये ले प्रसाद। अरे भाई साहब, ये तो चलते चलते थोड़ा सा पैर इधर उधर हो गया, उसमें टकरा गया। मेरे बाप, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो बाप। मुफ्त में माफ कर दो, ऐसा मैं मामा नहीं हूँ, समझा? और रोज रोज तू मिलने के लिए इस घर पे आता है ना, वो मुझे मालूम है। हाँ, पर किसी को कहना मत। हाँ, मुफ्त में किसी का काम नहीं करता हूँ मैं। लो ये 1 रुपया रोकड़ा रखो। हाँ, 1 रुपया? अरे निकाल 500 रुपए रोकड़ा, नहीं तो पूरे गांव में तेरा ढंडेरा पीट दूंगा। ओहो हो, तुमको भी चाहिए 500 रुपया रोकड़ा? 1, 2, 3, 4, 5,
ये लो भाई रुपए 500 पूरे, और अब गुंगे बन जाना। आज तो मैं चुप रहूंगा, मगर कल के लिए दूसरे 500 रुपए चाहिए, समझा? चल अभी चलता बांध। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, तुम चुप रहना। समझ गया, 500 रोकड़े, कोई बात नहीं। मेरा नाम है खिमा खुराट। नागेश भाई आ गया है फिटिंग। नहीं नहीं नहीं, नहीं टिफिन। ये लो। मोहन भाई, बोलो, तुम जेके सेठ के मुनीम हरजी को जानते हो? हरजी? हाँ, वो हरजी हरामी को तो सर से पाँव तक जानता हूँ, उसके काले धंधे भी जानता हूँ। तो तुम्हें एक काम करना है। हाँ, एक ही? अरे मैं एक साथ में तीन काम करने वाला आदमी हूँ, बोलो। तो सुनो। हाँ ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कर डालूंगा। हाँ हाँ, संभाल लेना। हाँ, मैं जाता हूँ। हाँ, ओके? आप बेफिक्र होके जाओ, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। बापू, ए बापू, बापू, आपसे कोई मिलने आया है, ऐसा लग रहा है कोई गुंडा है। गुंडे जैसा? ओहो, ये गुंडा मेरे घर तक आ गया। हे भगवान, इस गुंडे को निकाल दे, निकाल दे, वरना मुझे मार डालेगा। मैं बीमा फॉरेन की कंपनी में बना हुआ इम्पोर्टेड गुंडा, एकदम इम्पोर्टेड, आपको मारने नहीं पर बचाने आया हूँ। हाँ, मतलब? कल वो रास्ते में सांड जैसे गुंडे ने तुमसे 500 रुपए लिए थे ना, वो मुझे पता है। हाँ? और क्यों लिए थे ये भी मुझे बरोबर पता है। अच्छा, वो बात आप अपने मन में ही रखना, किसी को मत बताना। पर आप अभी आप जाओ यहाँ से। नहीं, पर तुम्हें बचाने आया हूँ। क्यों? मतलब? मतलब इस तरह, आप मेरा काम करो। हाँ, मैं आपका काम करूँगा उस तरह। देखो सुनो, समझ गया, बरोबर समझ गया। हाँ, काम तो बहुत कठिन है। हाँ, पर किए बगैर छुटकारा नहीं। पर उसके बदले वो खीमा के हाथ से तुम्हें मुझे बचा लेना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। समझ गए गुंडा भाई? सादा गुंडा नहीं हूँ मैं, इम्पोर्टेड। ओह, इम्पोर्टेड गुंडा भाई। इम्पोर्टेड गुंडा भाई, मैं वो कागजात लेके आता हूँ। हाँ, वो पहले करो, आ जाओ लेके आओ। इम्पोर्टेड गुंडा भाई। नागेश भाई, अपना काम हो गया। आप ये मुझे इस तरह से देख क्यों रही हो? अरे तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? ये तुम्हारा बाप है ना? ए, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा सच्चा नाम है ना, मोहन है। ऋषि कपूर का नाम भी मोहन था। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुरली। मुरली? अरे पुरानी हिंदी पिक्चर में जयाप्रदा का नाम भी मुरली था। नहीं करने वाले काम करने पड़ते। सही बोला तुमने। मुरली, तू अंदर जा। इम्पोर्टेड गुंडा भाई, ये लो कागजात, इसमें सब लिखा हुआ है, पर ये बात किसी के कान में नहीं जानी चाहिए। हा? नहीं जाएगी। वो मेरा काम कर देना है भाई। अरे उस गुंडे को तुम्हारे पैर में पटक के ना गिराऊ ना, तो मेरा नाम इम्पोर्टेड भीमा गुंडा नहीं। आपका काम हो गया ही समझो, साथ ही साथ मेरा भी काम हो गया। अच्छा, मतलब? हाँ, वो बाद में पूछ लेना अपनी बेटी से। लेकिन मेरी बेटी को दिल मिल ये क्या लफड़ा हो गया भाई? हे भगवान, हमारी लाज रखना। ठीक है साहब, एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? सरकारी जमीन का टेंडर खुल गया। अपनी जमीन का कब्जा अपने को कब मिलेगा? अब उस जमीन का कब्जा धनराज को मिलेगा। जानते हो, हमारे मुकाबले 1 रुपया ज्यादा देके उसको जमीन मिल गई। अब तो हद हो गई, ये धनजी मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगा। पर हमारे भरे हुए टेंडर की बात उसे कैसे पता चली? रवि, ये टेंडर जब भरा तब मात्र तू, मैं और हरजी मुनीम के अलावा चौथा कोई था ही नहीं।
मुझे लगता है उसने सरकारी ऑफिसर को खरीद लिया है। वो जो होगा वो अपने आप चलकर सामने आ जाएगा, अभी पता चल जाएगा। अशोक, हमारे भरे हुए टेंडर की रकम की बात धनराज को किस तरह से पता चली? यस सर, मैं अभी ये मेरे आदमी खीमा खुराक को सौंप देता हूँ, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। खीमा खुराक? अरे बदमाश, वो तो मैं भीमा गुंडा, जिसका नाम सुन के अच्छे अच्छे गुंडे जमीन चाट लेते हैं। ऐसो इम्पोर्टेड गुंडा, पूछ लो तुम्हारी बेटी को, पूछ लो तुम्हारी मुरली को, और इस गुंडे के पास से तुम्हारे वो 500 रुपए भी ले आया हूँ। ये लो, हाथ से नहीं लिए, उसके मुंह से निकाले। अच्छा? पूछ लो अपनी मुरली से, विश्वास ना हुआ हो तो। आप तो अभी घर से बाहर पाँव रखने चले जाओ, समझे? तो फिर इस घर का ध्यान? इस घर का मैं ध्यान रखूंगा ना। अच्छा? हाँ। देखो भाई इम्पोर्टेंट गुंडा। हाँ। जी, एक तो मेरे घर में जवान लड़की है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं भी जवान लड़का हूँ। पूछ लो आपकी मुरली को, वो भी ऊपर से। उसमें कोई बात नहीं, मैं भी अकेला ही हूँ। पूछ लो आपकी मुरली को। इसीलिए तो मैं घर सौंप के नहीं जा सकता हूँ, मेरे घर का ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आप जाओ, आप उसकी फिक्र करो मत। आप अकेली जान दो जगह पे कैसे रह पाओगे? उससे अच्छा ऐसा करो, आप जहाँ आड़ा टेढ़ा पैर रख रहे हो ना, उस जगह का ध्यान तुम रखो और तुम्हारे घर का ध्यान मैं रखता हूँ। अच्छा? पूछ लो तुम्हारी मुरली से। फिक्र करो मत, दोनों घर का ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, और यहाँ से मैं उठ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम अभी जाओ। हाँ, पर पूछ लो अपनी मुरली से। उसको पूछ लूंगा, अभी तुम जाओ। हाँ, पर अभी इसको इधर ही रखना है कि बाहर रोड पे छोड़ दूँ? जाओ। अरे भाई चल गुंडे, यहाँ कोई नहीं रखेगा, तुझे रोड पे ही छोड़ाता हूँ, चल। मेरा बेटा अलका, आज मेरा प्रोग्राम है, उसमें मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, आओगी ना? नागेश, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू डार्लिंग। Hey.
काली रात में। लापसी और दूध क्या, तेरे हाथों से जहर पी जाऊं मैं, तेरे हाथों से जहर पी जाऊं। आज पूनम की रात है, चांद की रोशनी फैली है हाँ, शरद पूनम की रात में, शरद पूनम की रात में। हे नाग आ गए रास खेलने, रुक जाओ अलका। वाह वाह बेटा वाह, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया है। धन्यवाद डैडी। धन्यवाद है? तू नागेश के साथ नाच रही थी उसका धन्यवाद है? मेरी मर्यादा को उड़ाया, मेरे मुंह पे कालिक पोत दी, उसके बदले में तू मुझे धन्यवाद दे रही है? डैडी तुम्हारी आंखों में घमंड और ईर्ष्या के पर्दे पड़े हुए हैं। ये घमंड नहीं है बेटी, गौरव है। और यही के तुम्हारे स्वच्छंदी जीवन पर आज से मुझे पहरा बिठाना पड़ेगा। मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तुम मुझ पर इतना जुल्म कर रहे हो? यही कि तुम नागेश को मिलती है और उसके लिए मेरा सख्त विरोध है। तो मैं तुम्हारी दुश्मनी और विरोध के सामने आकाश पाताल एक कर सकती हूँ, पर मुझे नागेश से दूर कोई नहीं कर सकता। तो मैं भी देखता हूँ बेटी, तो कैसे उस नागेश से मिल सकती है? डैडी ये तुम्हारा अन्याय है। खामोश। न्याय अन्याय की व्याख्या तू मुझे क्या समझेगी बेटी? अब तो मैं उस नागेश का नामो निशान मिटा के रख दूंगा। मोहन, तुम मेरे बाप को इस लफड़े में से बाहर निकालो ना। तुम मेरे लफड़े में गिरोगी ना? हाँ तो ये काम हो गया समझो, पर अपने लफड़े का पक्का ना। पुरुष मतलब लफड़े का पात्र। आपके समझ में कोई दरिया का भूत है? दरिया का भूत? अरे दरिया का खारा खारा भूत, जो मानवी के रूप में दिन दहाड़े रात को कभी भी दोपहर को कभी भी आपके घर में आ जाता है। महाराज धीरे धीरे बोलिए। ये तो मेरा प्यारा रंगीला मुनीम है ना, वो तो रोज ही घर में आता है। बस वही 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 दरियाई खारा भूत है,
क्या? हाँ है मैया। आपको कैसे पता कि वही दरिया का भूत है? चखने से। आपके उसके शरीर को जीभ से चाटना होगा। पर अगर नमकीन लगे तो तुरंत डंडे से मारना है। देखना, हाथ लगाना मत। हाँ। ये तो दरियाई भूत लकड़े से ही जाएगा। और एक बार वो भूत भागने के बाद देखना आपके भाग्य का सूर्योदय 16 कला से खिल जाएगा। खुश हो गए ना? हाँ। तो लाइए दक्षिणा। सामान्य तौर पे स्त्रियां वहाँ पैसे नहीं रखती। ये लो महाराज, 11 रुपया। हाँ, भारत में 11 रुपए ही देती है, स्विट्जरलैंड में 15 देते है। बाकी सुखी हो जाओ और सब खाते पीते रहो, मैं चलता हूँ। आज ही रात को इस दरिया भूत का भूत ना उतार दूं, तो मेरा नाम भी जमुना नहीं। हाँ, हरिओम। आपका पाँव टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्या? हाँ। आपको कैसे पता चला? मैं फ्रांस से ज्योतिष विद्या सीख के आया हूँ। फ्रांस से? हाँ, अभी कोई काशी जाता ही नहीं है। अच्छा। लाइए आपका हाथ देख लेता हूँ। ओहो, खलास, खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? अरे, आपको किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध है? अरे धीरे बोलो, धीरे बोलो मेरे बाप। ये स्त्री के साथ संबंध है वाली बात तुम्हें कैसे पता चली? बस पकड़ा गया, पकड़ा गया। हाँ, वो स्त्री रूपी डायन की छाया तुम्हें नड़ रही है। हाँ, क्या बात कर रही हो? हाँ, मेरी जमुना वो डायन है। अब जमुना हो या गंगा हो, वो अर्धी डायन है और आधी चुड़ैल है। डायन के रूप में तुम्हें पकड़ रही है और चुड़ैल रूप से तुम्हारा शरीर चाट चाट के तुम्हारा नसीब खा जाती है। क्या बोलते हो? हाँ, मेरी जमुना चुड़ैल है। हाँ तो है, डायन है। तब तो उसके बाल पकड़ के धो डालूंगा। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, बाल पकड़ के धोना मत, उसको झाड़ू के मार से मारना। झाड़ू से? हाँ, झाड़ू के मार से डायन और चुड़ैल 10 गांव दूर भाग जाते हैं। उसके बाद तुम सामान्य मुनिम में से करोड़पति मुनिम हो जाओगे। ओहो, आशीर्वाद दीजिए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। जरा दक्षिणा तो दो। दक्षिणा? 10 और 5 11 हुए। हाँ, रख लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप भले वो झाड़ू से मार खाए और फिर खाकरा खाए, बाकी दिल हिल मिल गए। हाँ, इतने सारे चप्पल। अरे जमनी, ओए जमनी, ये इतने सारे चप्पल क्या कर रहे बाहर? ये सारे चप्पल मैंने मोची से बना के लाई, कुछ काम था। पर तुम ये झाड़ू लेके क्यों आए हो? मेरे घर में तो है। अरे जमनी, ये मेरे घर की झाड़ू थोड़ी सी घिस गई थी, इसलिए नहीं लेके आया था। आज एक तुम्हारे लिए भी ले ली थी। अच्छा हो गया कि तुम आ गए। आज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाय, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। लाओ, मैं उतार देती हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ, आराम कर लो। हे राम। क्या तुम्हें दरिया का पानी नमकीन लगता है? दरिया का पानी? हाँ। लाओ, मैं तुम्हें कंबल ओढ़ देती हूँ। अच्छा सुनो, उल्टा हो जाओ। उल्टा सो जाओ। ओलो, थोड़ी देर तुम सो जाओ, फिर मैं खाना लेकर आती हूँ। हाँ, खाना खा के वापस जल्दी आना। हाँ, क्यों, तुम्हें बहुत जल्दी है क्या? जल्दी नहीं है, ठंडी बहुत लगी है। हाँ हाँ, ठंड बहुत लगती है। मैं पहले खाना खा लेती हूँ, फिर तुम्हारी ठंडक उतारती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी। हाँ, वो कहता था, हाँ, वो बात सही है, उल्टा सो जाना है। तेरी जात की डायन मारू। तुम्हारी जात का, तुम दरिया के भूत। निकल मेरे घर से बाहर, चल निकल, तू निकल, तू निकल, चल निकल यहाँ से, निकल निकल, दोबारा निकल नहीं दिखाना, निकल। दरिया का भूत कहीं का? और ये ले तेरे सड़े कपड़ा। अरे मार डाला। हाय हाय, ये तो कंबल से बहुत बास मार रहा है। ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। और क्या पड़ा है? ये ले तेरी टोपी। डायन ने तुम्हारी हालत खराब कर दी।
हाँ मेरे चश्मे। हाँ, हाँ, भगवान। हाँ, महा मुश्किल से इस डायन चुड़ैल के मुख से छूटा हूँ। अब मैं मुनीम में से बड़ा सेठ हो जाऊंगा, बड़ा सेठ। बेटी अलका, अलका देख बेटा, ऐसी जिद नहीं करते बेटा। तुम मेरी सारी संपत्ति के अकेली वारिस हो। तुम्हारे दिल को दुख पहुंचाने से मुझे कितना दुख होता है वो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। दादी, तुम कितने बदल गए हो। आज से पहले तुमने मेरे ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया, और आज तुम मेरे सामने इस रवि के साथ मेरा शादी कराने के लिए जिद लेके बैठे हो। बेटा, रवि मेरा दायां हाथ है, मेरे बिजनेस का सबसे अच्छा जानकार। अरे मेरे लिए जान को जोखिम में डालने वाला इकलौता आदमी है वो। ये तुम्हारा भूल है डैडी, वो तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर रहा है सब कुछ संपत्ति हड़पने के लिए। उसे तुम्हारी और मेरी कुछ पड़ी नहीं है। मतलब तू नागेश के अलावा किसी को अच्छा कहेगा ही नहीं, यही ना? डैडी, सिर्फ मैं ही नहीं पूरी दुनिया कहती है कि नागेश और धनराज गरीबों का सहारा है, उसमें मानवता है। अरे भाड़ में जाए ऐसी मानवता। देख अलका, कान खोल के सुन ले, जो मेरी इच्छा के विरुद्ध एक भी कदम रखा है ना, तो भूल जाऊंगा कि तू मेरी इकलौती बेटी हो। मेरी मर्यादाओं को लांघने वाली बेटी का गला दबाने में पल भर भी नहीं सोचूंगा। तुम्हारे इस व्यवहार के बाद मैं जीते जी मर गई हूँ पापा। आप अगर मुझे मार भी देते हो तो फिर मुझे कोई गम नहीं होगा। देख बेटा, इतना याद रख, सोने की कटारी को ध्यान में रखते हैं, पेट में नहीं मारा करते। तू अपने हिसाब से चल, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। पर रवि, तुम्हें नहीं लगता कि हमने जोश में आकर कोई भूल कर दी हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रवि। हाँ, अलका बहुत ही बदल गई है, किसी भी हाल में तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। और सच कहता हूँ रवि, यही हकीकत है। आप अगर आज्ञा देते हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद उसके मन में ये बात उतर जाए। तुम कोशिश करके देख लो, पर इतना याद रखना रवि, पर मेरी इकलौती बिन माँ की बच्ची है। ठीक है, जाओ। हे भगवान, जो इस रवि की बात अलका मान लेना तो सोने पे सुहागा हो जाए। इतना ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है, थोड़ा धीरज से काम लो। यू इडियट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे छुआ? अभी क्या, अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें धक्का मार के यहाँ से निकाल दूंगी। ओए, तेरा गुस्सा इतना मीठा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। वरना तेरी औकात भी नहीं है कि तू मुझे उंगली लगा सके। और दूसरा, कि जेके साहब ने मुझे बोला था इसलिए तुझे मनाने के लिए आया था, अब सीधी तरह से मान जा मेरी जान, वरना तुझे सीधा करने का मुझे और भी रास्ता आता, समझी? तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन एक बार ध्यान से सुन लो, मैं जितनी कोमल दिखती हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं कड़क भी हूँ। अरे ये सब भूल जा और मेरी बात सुन ले। सच कहता हूँ अलका, मैं तुझ पे इतना मरता हूँ कि तेरे कदमों के तले अपने प्राण बिछाने को तैयार हूँ। आजा मेरी जान। अलका, इस थप्पड़ का तुझे गिन गिन के हिसाब दूंगा, याद रखना। अरे चाचा लोफर। नागेश। अलका, 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 आज क्यों तुम डरी हुई लग रही हो? मैं मेरे डैडी के इत्तेचार से तंग आ गई हूँ नागेश। तुम कहो तो मैं तुम्हारे डैडी के साथ बात कर सकता हूँ, मेरे माँ बाप को भी साथ में ले आऊंगा। नहीं नागेश, तुम्हें मेरे डैडी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। पर ये तो कहे कि तुम्हारे डैडी करते क्या है, तुम कहाँ रहती हो, मैं तो तुम्हारे डैडी का नाम भी नहीं जानता। अभी ये सब जानने की जरूरत नहीं है नागेश। अगर मैं अपने डैडी के घर से भाग गई
तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कहीं भी भाग सकती हूँ। ऐसे फिल्मी शादी में क्या मजा है, चोरी छुप के भाग कर इस तरह शादी करके तो अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अलका तुम तो पुरानी विचारधारा की बात कर रही हो नागेश। मतलब नई विचारधारा में माँ बाप के प्यार का तिरस्कार करके तू मुझे भागने के लिए कह रही हो? नहीं अलका नहीं, ये एक गलत कदम होगा। अरे सच्चा प्रेम करने वाले तो जगत में अमर हो गए हैं। लैला के लिए मजनू ने मौत को गले लगाया पर कभी भी लैला को भागने के लिए प्रेरित नहीं किया। सच बोला तुमने नागेश, तुम महान हो, तुम्हारा विचार बेजोड़ है। जब तक हमारे माँ बाप हंसते मुंह विदाई देकर हमें आशीर्वाद न दें और हम उसकी मर्यादा को लांघकर शादी कर लें तो सच्चे प्रेम का अनादर होगा अलका। तो फिर तब तक के हम दोनों विराह की आग में जलते रहे, उसका भी एक अलग मजा है। अलका जब तक तुम्हारे पिताजी हंसते मुंह अपना हस्तमिलाप ना कर दें तब तक हम नहीं मिलेंगे। और फिर भी ले, तुम्हारे मन में शांति रहे उसके लिए ये मेरे रक्त से किया हुआ सौभाग्य का तिलक तुम्हारे सौभाग्य का गहना बनेगा और इसका महत्व मेरे घर की सुहाग की चुनरी समझ लेना। तुम्हारे हाथ से सजा हुआ सौभाग्य का सिंदूर और इसी तरह मेरे माथे पर तुम्हारे नाम से सजा हुआ चुनरी चमकता रहा और इस चुनरी की लाज को तुम तो कहीं भूल नहीं जाओगे ना? नहीं अलका नहीं, जिस दिन मैं तुम्हें भूल जाऊंगा वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नागेश, मेरे माथे पे सौभाग्य का सिंदूर लगाने के बाद तुम ऐसी अशुभ बातें कर रहे हो। नागेश, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगती हूँ कि मेरी चुनरी और सुहाग का लाज रखना और मुझे भूल नहीं जाना। नहीं अलका, इलेवन इलेवन मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्यों? कल हम लोग बाहर जाने वाले हैं ना? नहीं, कल तो नागपंचमी है ना, तो मंदिर में पूजा की तैयारी। हाँ हाँ, कल नागपंचमी है तो फिर मैं भी जरूर आऊंगी। चलो फिर मिलकर तैयारी करते हैं। ठीक है चलो। हाँ
अरे सेठ जी आओ कि नहीं? अरे आओ आओ बाबा जी, आओ बैठो बैठो। ये लो तुम्हारे पास आ गया बैठे, अपना व्यवहार मतलब दंजी की मिट्टी मिट्टी मुलाकात और हल्ला गुल्ला। अरे वो तो बरसों से चल रही है बाबा, और तू तो मेरा मित्र और मार्गदर्शक है। हाँ तो फिर उस बात का क्या हुआ? वो खानदानी औरत है, उसका पति इस दुनिया से उसे छोड़ के चला गया। उसके धंधे के पार्टनरों ने उस औरत को बिजनेस से दूर कर दिया, पर उसका एक लौता ऊंट जैसा बेटा है। हा? बेटा बेटा, अरे पात्र है, इंजीनियर है। हाँ तो बोलता होगा तो उस औरत को और बेटे को दोनों को ले आता हूँ। तो फिर लेकर आना, इला को पसंद आएगा तो बात पक्की। पर एक बार आके आप लोग देख तो लो मेरे साथ में भाई। अरे बाबा जब तुम बोल रहे हो तो ठीक ठाक ही होगा ना, क्यों बेटा? बोलो बाबा जी कहाँ जाना? ये सामने वाले बंगले में। वो बंगले में? हाँ। अरे ये बंगला तो मेरे दोस्त का है। हाँ? मेरे सेठ जी का बंगला है ये। तेरे सेठ जी? तू नागेश की बात कर रहा है कि धनराज की? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तब तो तेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, तू बहुत नसीब वाला है। चलनी चलनी चल चल बेटा। अरे बेटा जीतेन तू यहीं पे रुक जा, मैं अंदर जाके कैसे मजा करता हूँ तू देख। चलो नी चलो। आओ के बाबा। अरे आओ आओ बाबा जी, बाबा आओ ना माई, आप भी आओ ना। बैठिए, आप भी बैठ जाओ माई, आप भी बैठ जाओ। लो बैठ गए। तो धनराज अपना बच्चा नागेश किधर है? हाँ नागेश तो ये रहा, पर बामन जी बाबा हमको जिस लड़के को देखना है वो हमारा भावी दामाद कहाँ है वो तो बताइए। अरे बाबा धनराज तू धीरज रखना, कुछ समझता क्यों नहीं है? ए नागेश जी, तू बाहर जाके उस बच्चे को लेके आ, जब तक तू बाहर नहीं जाएगा ना तब तक वो बच्चा अंदर नहीं आएगा। अब ठीक है। इला बेटा तुम्हारी मम्मी मंदिर से आई कि नहीं? नहीं बापूजी। जा बेटा अंदर जाके चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। अरे जितन तू क्यों? मेरी माँ और बावन जी मुझे यहाँ लेके आए। तुझे? अच्छा तो तू ही हो मूर्तिया। नहीं या। एक मिनट। हाँ बावन जी बाबा तुमने बहुत इंतजार करवाया। हाँ हाँ तो ये रिश्ते की बात है ना बाबा, इसमें तो तेल भी देखते हैं और तेल की धार भी देखते हैं। मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं है? अरे बिल्कुल बुद्धू है। एकदम एकदम बुद्धू है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बुद्धू है। पिताजी आपको लड़के को देखना है, अंदर आओ बुद्धू राजा, अंदर आओ। जितेन तुम? हाँ सेठ जी, और ये मेरी माँ है। नमस्ते। पर बेटा ये सब क्या है? देख लिया बुद्धू ही है ना, मेरा दोस्त, मेरा जिगर जान। अरे इला जरा जल्दी बाहर आ तो, देखो तुम्हारे लिए लड़का आया है। देख ले तुम्हारे लिए इस बाटली वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ये बुद्धूराम को ढूंढ के लाया है, पर तुम्हें पसंद है कि नहीं? चल है। देखा देखा शर्मा कर अंदर चली गई, बिल्कुल शर्मा गई। अरे ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जीतन हमारा दामाद बनेगा। ये तो सब कुछ भगवान की लीला है और ये जिंदगी का हकीकत भी है, दुख के बादल चले जाते हैं तो सुख के दिन भी आते हैं, कोई उसे रोक नहीं सकता। ऐसे ही मुश्किल से गुजरे हुए हम आपके जैसे बड़ों की दुआओं से ही तो ऊपर उठे हैं। ये तो आपकी मीठी भावना है, प्रभु सदा ही आपको बुलंदियां और ऊंचाई प्रदान करे। अरे भाई धनराज हाँ। ये सबको जमा तो मैंने किए बराबर, पर अभी मुंह मीठा करने के लिए मिठाई तो मंगा दे। आ रही है बाबा जी आ रही है, सब्र करो। अरे रामू इधर आओ, लो आ गई मिठाई। बेटा जीतेन ले पेड़ा खानी। लो माँ आप खाओ। पर बेटा ये रिश्ता तुझे मंजूर है ना? माँ आप भी मुझे पूछ रही हो? भाई ये पूरी बात का यश बामन जी को जाता है। लो बामन जी बाबा मुंह मीठा करो, मिठाई खाओ। मीठा करो भाई।
अमर भाई, ये आभार तो अभी नहीं, बाद में है। पहले सगाई और शादी दोनों साथ में निपटा दो, फिर शादी की लेते हैं मजा। मामा जी, बाबा समधन जी को जरा अंदर बुलाओ। हाँ बाबा, मुझे काम है। हाँ अभी बुला के लाता हूँ। बहन जी, हाँ ये धनराज सेठ आपको बुला रहे। मुझे? हाँ चलो आइए। आइए समधन जी, पधारिए। देखिए समधन जी, ये मैंने सब मेरी बेटी इला को दहेज में दिया है। समधी जी, आपको ये सारी चीजें इकट्ठा करने में संकोच नहीं हुआ क्या? आपने एक बार सोचा भी नहीं? ना समधन जी ना, ये तो एक बाप का फर्ज है। और समधन जी, इला की माँ ने इला के लिए लाड़ प्यार से हजारों गहने बनवाए थे। नहीं समधन जी, अपने आवेश में आकर और आपकी क्षमता के बलबूते पर इस पूरे जगत को आप गलत संदेशा देना चाहते हो और सबको ये गलत काम करने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हो। नहीं समधन जी नहीं, आपकी ये हरकत देखे कोई भी लोग यही कहेगा कि एक माँ अपनी बेटे के शादी के बंधन के बदले में पैसों का सौदा कर रही है। नहीं समधन जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो खुश होकर सब कुछ दे रहा हूँ। अरे धनराज समधन जी, तुम्हारी बेटी के कदम तो मेरे घर पे तो खुशियाँ ही खुशियाँ लाने वाली है, और इससे ज्यादा खुशी तो मेरे लिए और क्या हो सकता है समधन जी। हाँ अरे समधन जी, खुश होकर सब कुछ ले जाओ। इसमें से रखा सामान एक भी मेरे घर पे नहीं आएगा समधन जी। आएगी तो सिर्फ आपकी बेटी मेरी बहू बन के आएगी, और वो फिर एक जोड़ी वाली और सौभाग्य का चिन्ह साथ में लेकर। समधन जी नहीं, नहीं धनराज समधन जी नहीं, इसके बाद भी अगर मुझसे जिद की तो आपको मेरी सौगंध। नहीं समधन जी, अरे ये दहेज का नियम तो हमारे देश में रहने वाले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक है, और आप इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। अरे इतना बड़ा खर्चा दहेज के लिए क्यों कर रहे हैं? इससे तो अच्छा आप ये पैसे अगर कोई जरूरतमंद हो तो आप उसको बांट दें, तो उससे मेरे दिल को ठंडक और आपकी बेटी को आशीष मिलेगा। अरे वाह रे वाह समृद्ध भाई, आप तो आप ही हो। ये आपके जैसे सासू अगर पूरे भारत देश में हो जाए ना, तो ये सभी लड़कियाँ सुखी हो जाए और लाखों माए बाप भी सुखी हो जाए। अरे अरे धनराज समधन की बेटी जब मेरे घर पर चल के आ रही है और ऊपर से मैं उसकी सास हूँ, ये मेरे लिए गौरव की बात है। कारण आपकी बेटी मेरी बहू बनकर, स्वयं लक्ष्मी बनकर मेरे घर पर आ रही है। hey, ये फेरे देखकर तुम्हारे मन में कुछ हो नहीं रहा? कुछ भी बोलते हो। oh, चलो हम भी फेरे ले लेते हैं। मेरा मन भी वही कहता है, पर मेरे पापा। oh, भाई इला बहन और जीतू भाई दोनों शादी कर लिए, आप सबका आशीर्वाद ले रहे। मैं तो कहता हूँ कि इन दोनों के साथ में आप दोनों भी माँ बाप के पैर पड़ के आशीर्वाद ले लीजिए, ताकि दिल ही मिल जाए। अरे चलो ना, अभी बारात ले जाने का समय आ गया है। चलो चलो अलका, हम इला बहन को मिल लेते हैं। हाँ ये आप लोग पैर पड़ लो, उसके बाद आपका दिल हिल मिल जाए, उसके बाद मेरा भी दिल हिल मिल जाए। सुखी रहो बेटा। पिताजी। इला बेटा, अखंड सौभाग्यवती भव, ईश्वर तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां तुम्हें दे, दुख की परछाई तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आए। मेरे कुल की राज रखना बेटा, मेरे कुल की लाज रखना बेटा। माँ, बेटी, माँ पार्वती की आशीर्वाद सदाई तुम पर बनी रहे, और गोंडलिया राजा नाग देवता सदाई तुम पर कृपा करे। भैया, अलका, ला ला ला।
आज दिन तक देखा हुआ सपना, अमीरी से भरा हुआ सपना, मेरे इतने छोटे से घर में कमी तो महसूस नहीं होगी ना। आप कहीं पर भी रखो मुझे, लेकिन आपके विशाल दिल के किसी कोने में रखकर मुझे हमेशा रखना, मुझे कोई शिकायत नहीं होगा। आज से मेरा विशाल महल आपका दिल है, और मेरे जीवन में सब कुछ पाने की चाहत सिर्फ तुम्हारा प्यार है। I love you. ओ लीला, बहू बेटा, जीती रहे बेटी, जीती रहे। आज मेरे घर में पुत्र वधु नहीं पर लक्ष्मी आई है, और मेरी लक्ष्मी का हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। हाथ दिखा बेटा, हाथ दिखा। ये ले बेटा, इसको संभाल कर रखना बेटा। ये मेरे बेटे के मेहनत का पहला कमाई से तू अपने हाथों से अपने घर के लक्ष्मी भंडार को भरना, और इस भंडार का हमेशा रक्षा करना बेटा, जिंदगी भर। ओढ़नी उड़े तो भले। अरे अरे नागेश भाई, आप धनराज सेठ के बेटे? हाँ, पर हरजी काका आप इधर क्या कर रहे हैं? अलका के साथ आया हूँ। अलका के साथ क्यों? हाँ, वो मेरे जेके सेठ की बेटी है, इसलिए। जेके सेठ की बेटी कहाँ है अलका? वो यही थी, आती होगी। लो आ गई अलका बेटी। नागेश, आज तक मैंने जो कुछ भी तुमसे छुपाया है वो मैं सब कुछ तुमसे बताने के लिए यहाँ बुलाई हूँ। तुम्हें मुझे जो सजा देना है दे देना, लेकिन ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे दिल में हमेशा बसी रहूंगी। तुम जेके की बेटी हो, इस बात को छुपाने के लिए आज तक तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोलती रही और मुझे अंधेरे में रखा। नहीं नहीं, उस भूल के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। और दूसरी बात, अगर मैं तुमसे ये कह देती तो फिर पता नहीं तुम क्या सोचती। मैं तुम्हारी फैसला को जानती हूँ नागेश, इसीलिए गरीब बनने का खेल रचा था। नहीं नागेश, हरी काका के घर में मैं अपने घर वालों की पहचान देने के लिए नहीं आई थी। अगर तुम इसे भूल मानते हो तो मेरे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है। ये कॉन्वेंट की स्टूडेंट बोल रही है? मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, पर संस्कार तो इस देश का ही मानना पड़ेगा ना। वाह अलका वाह, तेरी इस उच्च भावना के पास मेरे सारे विचारों का निवारण हो जाता है। आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि जिससे मैंने प्यार किया है वो पात्र दुर्बल नहीं पर भारत की मिट्टी से बना हुआ एक अनमोल रत्न है। तो फिर क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? माफी तो मुझे मांगनी पड़ेगी, क्योंकि एक क्षण के लिए मैंने खराब विचार कर लिया था। नागेश, ठीक है अलका, अब मैं चाहता हूँ, पर जाते जाते एक वचन देकर जाता हूँ कि किसी भी तरीके से तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा, भले उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो करूंगा। नो नो, इम्पॉसिबल, किसी भी तरीके से ये शक्य नहीं है। करोड़ों रुपए के खर्चे से सरकारी हॉस्पिटल बनाना है, और वो भी मात्र एक ही साल में, 4 माले की बिल्डिंग 30,000 स्क्वायर मीटर में। इट इज इम्पॉसिबल, किसी भी हाल में ये शक्य नहीं है। अरे ये तो भारत के सभी बिल्डरों के लिए चैलेंज है सर। हाँ। दुनिया भर के सभी बिल्डरों के टेंडर आएंगे सर। हाँ। इम्पॉसिबल, किसी की भी ताकत नहीं है कि एक साल में ये काम पूरा करे, और वो भी सरकारी शर्तों के हिसाब से। क्या सोचता है रवि, है हिम्मत, बोल। रहने दो साहब, खोटी सी होशियारी मारने में 25 लाख रुपए डूब जाएंगे। रुपए चले जाओ उसकी कोई बात नहीं है, पर मुद्दत बहुत कम है। 1 साल में हमको इमारत खरीद करके देनी है, और सरकार ने प्लान के मॉडल तैयार करके रखे हैं। इतनी छोटी मुद्दत में ये इमारत खड़ी करना बहुत ही असंभव है। तो फिर इस बात पे पर्दा डालो ना सर। सही बात है रवि, पर ये काम किसी बिल्डर को मिलेगा तो सही ना। संदास, एक बात तो पक्की है कि अपना दुश्मन धनराज किसी हाल में ये काम नहीं स्वीकारेगा। अब देखते हैं कौन है वो माइका लाल कि ये काम जल्दी करके दिखाता है। बापू, आज के न्यूज़पेपर में दी हुई जाहिर सूचना के मुताबिक मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने का टेंडर भर दिया है, नसीब अच्छा होगा तो पास हो जाएगा। तो जब तक काम पूरा नहीं होगा
तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा पिताजी। वाह बेटा, मुझे पूरे पूरा विश्वास है कि तू चैन से नहीं बैठेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे अकेला रहने दो, मुझे एकांत चाहिए, एकांत। इसे अपडेट होने से नहीं चलेगा सेठ जी, नागेश ने जो सरकारी ऑर्डर लिया है उसे बहुत भारी गिरेगा। मतलब अपने शहर में जो बेचने वाले व्यापारी है उनको फोन करके उनकी मीटिंग अपनी ऑफिस में लगा देते हैं। कारण उनका सारा माल हम खरीद लेंगे। अरे रवि, ऐसा करने से मेरी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अरे साहब, कल वो मूड़ी दुगनी हो जाएगी और सेठ शहर के सारे बिल्डरों को अपनी ऑफिस में आना पड़ेगा और धनराज भी अपना पैर चाटते हुए आ जाएगा, पर हम उसे माल नहीं देंगे और उसकी सरकारी हॉस्पिटल का काम कभी पूरा नहीं होगा। और उसके बाद और वही काम हम ज्यादा पैसे लेके पूरा करेंगे, फिर धनराज कभी हमारे सामने सिर नहीं उठा पाएगा। अरे रवि वाह, ब्रिलियंट आइडिया। तुम चाहो वो कर सकते हो। इतना ध्यान रखना कि बकरा निकालने के चक्कर में ऊंट न घुस जाए। सेठ, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, जहाँ ना पहुँचे अनुभवी वहाँ पहुँचे ये रवि। उन बाप बेटों के बनाए हुए घोंसले को ना तोड़ दूँ ना तो मेरा नाम भी। अरे हाँ सेठ, कल ही उसके नए काम का मुहूर्त है। अच्छा, यस। धर्म के काम में देर कैसी, हाँ? आने वाले कल में ही अपना श्री गणेश कर दो। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। इस सर्वे नंबर के मुताबिक यही प्लॉट है और इसके मुताबिक, इस ड्राइंग के मुताबिक अपने को हॉस्पिटल बनाने की है। नहीं जितेन, अब समय बिगाड़ने से अच्छा है खास मुहूर्त करके काम शुरू कर देते। मेरी बात सच्ची है, पर जेके की खुरापाती के मुताबिक अगर हमें मटेरियल सप्लाई में प्रॉब्लम हुआ तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? पहले माल सामान एक साथ मिलता रहे ऐसी किसी बाहर गांव की कंपनी के साथ कांटेक्ट करना जरूरी है। देख, अगर तू कहता है तो मैं अहमदाबाद, सूरत, पुखरान, जयपुर, जोधपुर के व्यापारी से मिलके मटेरियल का बंदोबस्त कर दूं। चल तो अब तू अपने काम पे लग जा और मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। पर जितेन, एक बात तो पक्की है कि टेंडर की तारीख पूरी हो उससे पहले किसी भी संजोगों में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। आज जल्दी आ गए पिताजी? हाँ नागेश, तू तेरे काम से बाहर गया था और जीतन भी तुम्हारे साथ था, मुझे लगा कि मैं जल्दी घर चला जी। जाऊं। बेटा नागेश, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में क्या सोच रहे थे पिताजी? यही कि तुमने गलत काम में हाथ डाला है, उसमें सिर्फ शरीर और समय की हानि है। पिताजी आप फिर से एक ही बात पर अटक गए हो, आपको पैसे घुमाने का डर है। मैंने पैसे तो बहुत देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा बेटा परेशान हो ये मुझे मंजूर नहीं है। जवानी में जोश और हिम्मत से कठिन कार्य को कर सकते हैं पिताजी, ये आपको पता है। धन दौलत बहुत कमा सकते हैं, पर बेटा भगवान की दया से हमें कोई कमी नहीं है। बस बेटा अब रुक जा बेटा, जिसको सिर्फ पैसे की भूख होती है ना उसी को करने दे ऐसा काम। पिताजी ये मैं पैसे के लालच में कर रहा हूँ यही बात आप सोच रहे हो, तो ये सोचना आपकी भूल है पिताजी। ये तो मर्द का चैलेंज है, एक संघर्ष को पूरा करने की बात है। तो ऐसा पराक्रम करने की मना करता हूँ मैं तुम्हें कि उसमें सिर्फ हमारा पैसा और तुम्हारी मेहनत का पानी होने वाला है। अरे कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा विचार किया है तुमने? हर मुसीबत का सामना करूंगा पिताजी, आने वाली मुसीबतों का टक्कर से सामना करूंगा पिताजी। मुझे मेरी मेहनत, कला और गौरव बार बार कह रहा है कि जो कदम तुमने उठाया है वो पीछे मत रखना। तो मैं भी तुम्हें एक आखिरी वार्निंग देता हूँ नागेश, कि ये सब व्यर्थ है। नहीं पिताजी, जिसको आप व्यर्थ समझ रहे हो उसी में मेरी परिपूर्णता समाई हुई है। तो तुम अपना कामकाज मेरी कंपनी के नाम से नहीं पर किसी अलग कंपनी के नाम से करना, मेरी कंपनी में से तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा, समझा? पिताजी समुन्द्र को पार किया हुआ जहाज आपको डुबा देना है, अभी तो जहाज किनारे से चला ही नहीं है नागेश, और इसीलिए तो मैं तुम्हें बचा रहा हूँ नागेश। तो आप भी सुन लो पिताजी, आज से मैं कोई भी काम एक नई कंपनी के नाम से शुरू करूंगा। रही पैसे की बात, तो मैं आपका बेटा हूँ,
वो पैसा मैं कहीं से भी लेकर आऊंगा। ये सब बात इतना आसान नहीं है नागेश। सबूरी और श्रद्धा से सारी बातें आसान हो जाती हैं पिताजी, उसमें मुझे जरा भी संकोच नहीं है। आने वाले कल के न्यूज़पेपर में पहले पेज पे पढ़ लेना, इला कंस्ट्रक्शन का भव्य साहस। क्या हुआ नागेश के पापा, बेटा और बाप के युद्ध में कौन जीता? जीत तो सिद्धांत की हुई है, पर एक बात पक्की है कि मेरा बेटा मुझसे भी बहुत बड़े काम करने वाला है। आखिरकार खून तो मेरा ही है ना। जा बेटा, फतेह कर। रवि, ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हुआ है कि नागेश को माल सामान के साथ पैसे की मदद कर रहा है? अरे, और मजदूर भी सप्लाई कर रहा है, और फिर वो इधर का नहीं है, अपने सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं। वो सब मैं सुधार दूंगा सेठ, आप सिर्फ तिजोरी के दरवाजे खुले रखना। अरे तू तो जानता है रवि कि मैंने माल सामान सारा गोडाउन में डाल दिया है, सारे पैसे मार्केट में चले गए हैं, अब मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों, हमारे पास जमीन है ना, उसके दस्तावेज भी गिरवी रख के रुपए मिल सकते हैं सेठ। और सेठ, दुश्मन को दबाने के लिए किसी भी हाल में इस चाल को तो चलना ही पड़ेगा। उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। सोचने का समय कहाँ है अपने पास? और आपने दिए हुए वचन के मुताबिक अलका का हाथ मेरे हाथ में देने का समय भी हो गया है सेठ। बस आप अपना वचन पूरा कीजिए, और फिर देखो नागेश को बर्बाद ना कर दूं ना तो मेरा नाम भी रवि नहीं। रवि तू सोच के देख, अभी है ना अलका गुस्से में बैठी है, वो किसी भी संजोगों में ये बात मानने को तैयार नहीं होगी। अरे बिन माँ की इकलौती बच्ची को बार बार एक ही बात कहना मुझे मंजूर नहीं है। तू एक बार मुझे इस टेंशन से निकल जाने दे, फिर पक्का मैं तेरी शादी अलका से ही करवाऊंगा। मोहन तेरा कहना सही है, पर जो काम मैंने हाथ में लिया वो काम पूरा करने के बाद ही माँ पिताजी से मिलूंगा, और तब तक माँ पिताजी को संभालने का काम तुम्हारा ही है, पता है ना तुझे। पर एक बार आके तो माँ बाबू जी को मुँह तो दिखा दो। भाई तू समझ क्यों नहीं रहा है, सिर्फ मुँह ही नहीं, काम होने के बाद मैं अपना सर्वस्व पिताजी के चरणों में रख दूंगा। दोनों बाप बेटे की इच्छा होती है वैसा ही करते। नागेश भाई ये देखो दूध पड़ा हुआ है, ये तुम सोफे पे सो गए हो और छाती पे फाइल पड़ी हुई है, अब थोड़ा सा आराम कर लो, वो देखो रात हो गई है। अच्छा हुआ मोहन तूने मुझे जगा दिया, नहीं तो काम अधूरा रह जाता, आज ही पूरा करना है। हाँ फिर वापस सो मत जाना। हाँ नहीं तो फिर से आऊंगा। हाँ और ये दूध भी पी जाओ, ये तो बिल्ली पी जाएगी। अच्छा है कि यहाँ पे कोई बिल्ली नहीं है, वरना सब दूध पी जाती। हाँ वेरी गुड चितन, वेल डन ले। देखो इस हॉस्पिटल के जितने भी खंभे हैं ना, उन सब के साथ टाइम बॉम्ब का कनेक्शन करके और सभी खंभे को उड़ा देना, और साथ ही नागेश भी उड़ जाना चाहिए, नागेश बचना नहीं चाहिए, समझे? जाओ। ओके। कहां तक काम पहुंचा है नागेश? पहले माले तक काम हो गया। ए भोपत, बाद में मुझे मिलकर जाना। और ले लो ऊपर। हाँ बराबर।
जतिन जल्दी भाग। हेलो जेके, हाँ रवि, क्या नाना, मैंने नागेश को खत्म करने का तुम्हें बोला ही नहीं है। क्या कहा, वो सीरियस है, सिटी हॉस्पिटल में दाखिल किया है। नो नागेश, अरे अलका रुक जाओ। देखो गांधी गार्डन के सर्कल से अगर अलका निकले तो उसे मारुति वैन में तुम किडनैप कर लेना, जाओ। डॉक्टर साहब कैसे है वो? देखो यंग मैन, चिंता नहीं करो, अब तक वो होश में नहीं आया है। डॉक्टर साहब मेरा नागेश कैसा है? ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा। चिंता नहीं करो बहन, अच्छा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा भैया ठीक हो जाएंगे ना? बहन धीरज रख, अब तो दवा से ज्यादा दुआ ही काम करेगी, समझी? मेरा भैया, मैं नाग देवता की पूजा करूंगी। हाँ मेरे नाग देवता।
रक्त अपनी पुत्री का है। हमारी पुत्री? हाँ मैया, मुझे धरती पर मदारी के हाथों से बचाने वाला मेरी बहन मुझे बुला रही है। उसके बाद भी बेटा तू यहीं पे है। तुम्हारी अनुमति के बगैर मैं कहीं भी नहीं जा सकता। जाओ वत्स, उसके सहायक बनो। जो आपकी आज्ञा। मत करिए, पेशेंट को होश आ गया है। अरे हे नाग देवता, तुम्हारी कृपा। भाई मैं अभी खबर देके आता हूँ। बाबूजी, नागेश भाई होश में आ गए। क्या आप सभी को मिलना चाहते? सबके नाम ले रहे। बेटी लीला, आँख खोल बेटी लीला, मेरे भैया को होश आ गया है। हाँ, उठ जा मेरी बेटी। हाँ लीला बहन, हाँ तुमको नागेश भैया याद कर रहे। हाँ इला बेटा, नागेश को होश आ गया है। भगवान ने हमारे पर दया कर दी है। क्या मेरे भैया को होश आ गया है? हे नाग देवता, तुम्हारी दया अपरंपार है। चल बेटा, चलो सब नागेश के पास चलते हैं। जय नाग देवता। चलो चल बहन, चल, तुम्हें भी याद कर रहे हैं वो। जय इला। हाँ भैया, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। कैसे हो भैया? मौत के मुंह से लौटा है मेरा प्यारा बेटा। ये सब नाग देवता की कृपा है। कौन? रवि, क्या तूने मेरी बेटी को किडनैप किया और उसके बदले में तुझे 50 लाख रुपए चाहिए? नहीं नहीं रवि, तू धोखेबाज है। मैं किसी भी हाल में तुझे ये पैसे नहीं दूंगा। क्या तो तू मेरी बेटी को मार देगा? ऐसा तू मुझे धमकी दे रहा है? तमीज, ये करसनदास और रवि ये दोनों मुझे बर्बाद कर देंगे। ओहो, मेरी बेटी, मैं अब क्या करूं? रंगा, जेके सेठ की कार में बॉम्ब रख के तुझे उसे किसी भी हाल में खत्म करना है। जा। हेलो जेके, कौन? रवि? ओ हाँ, ऐसा? हाँ, अरे मैं तुझे क्या बताऊँ, ये रवि है ना दगाबाज निकला, मेरी इकलौती बेटी को ये उठा कर ले गया है। हाँ, और बदले में 50 लाख रुपए मांग रहा है। हाँ, और वो लोग मेरी पुरानी फैक्ट्री में चले गए। थैंक यू वेरी मच। रेम, गाड़ी निकाल। तुझे नहीं छोड़ूंगा, बहुत तड़पाया तूने। अरे क्यों इतना चिल्लाती है? अब तू मेरी है। आजा आजा, मुझे जाने दो। जा।
आजा। नाम देना पड़ेगा तेरी बहादुरी को। बहुत ताकत लगा ली ना तूने, थक गया होगा। अबे रंगा, बांध दे इस किले को, जाना नहीं चाहिए। उस दिन तो तू बच गया, शायद यमराज को तेरे पे दया आ गई होगी, परंतु आज नहीं बचेगा, क्योंकि जहां ना पहुंचे अनुभवी वहां पहुंचे ये रवि। सॉरी नागेश, तू मेरे और अलका के बीच में आ रहा था, पर अब तेरे पास 3 मिनट है, समझ गया तू? रुक जा, जाइबा, ये देख, ये टाइम बॉम्ब है, हमारे जाने के बाद यहाँ सिर्फ 3 मिनट में ही ब्लास्ट हो जाएगा और तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ तेरे प्राण चले जाएंगे और वहां मैं अलका को लेके उड़ जाऊंगा। जाइबा। अब क्या करेगा? चल तो मेरे साथ। अब देख ले, जी भर के इसके टुकड़े हो जाएंगे थोड़ी देर में। चल चल, छोड़ो मुझे। Thank you.
निकाल लो सबको, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, रुक जाओ, ऊपर नीचे, रुक जाओ, ऊपर नीचे, पकड़ लो सबको, आप पकड़ लो इसे हवालदार साहब, बहुत उड़ रहा था। अरे छोड़ दो छोड़ दो, पिक्चर का ट्रेलर भरे यही पे किया है, बाकी की पिक्चर घर पे जाके पूरी करो। उन गुंडों पे पुलिस की मेहरबानी हो गई है और आप दोनों पे नाग देवता की कृपा हुई है, अब मेरी एक पूजा हो जाने दो। समोर्थम शुभ लग्नम निर्भम कल्याणम आरोग्यम शुभ लग्नम सावधानम नमस्तुते भवतु। क्या बोलता है? अभी चलो घर पे।